हम यहाँ एक गली के अंदर आए हैं, यहाँ पे जो है तो हमारे सीनियर सिटीजन बैठे हुए हैं, हम इनकी भी राय लेते हैं कि लोकसभा के अंदर इनका उम्मीदवार कैसा और कौन होना चाहिए। चलिए चलिए, आपका पसंदीदा उम्मीदवार कौन है इलेक्शन के अंदर, इसके लिए हम ये राय जानने के लिए आए। अभी जो चार कैंडिडेट खड़े हैं इसके अंदर, मतलब ज़्यादा खड़े हुए चार पांच ही जो तो मशहूर ज़्यादा चल रहे हैं, तो आपका पसंदीदा उम्मीदवार कौन है? प्रकाश अम्बेडकर साहब, मतलब प्रकाश अम्बेडकर साहब ने जिनको खड़े करे वो आपका मतलब बहुजन वंचित आघाड़ी है ना, ठीक है? असल में अम्बेडकर चुनते जेल से पिछला जो खासदार था माजी, तो आप उससे कामों से सहमत है कि नहीं है, संतुष्ट है कि नहीं? नहीं है। और हमारा कोई काम ही नहीं कर रहा। और अभी आपको ये इलेक्शन के अंदर कौन से दो बड़े कैंडिडेट दिख रहे जिनके बीच में टक्कर रहेंगे? ये बड़े वंचित आघाड़ी सबसे बड़ी है और इसको कोई तोड़ नहीं। चलिए धन्यवाद। लोकसभा 2019 का ये इलेक्शन है, इसके अंदर बहुत बहुत बड़े बड़े महारथी खड़े हैं, सब ने अपना अपना कैंडिडेट मैदान में उतारा है, आप किस प्रतिनिधि को चुनना चाहेंगे, अपना वोट करना चाहेंगे? देखो सबसे पहले तो उलमा इकराम ने एक मशवरा दिया है मुसलमानों के लिए, सेकुलर जमात को वोट करने की तायद कर रहे हैं हमारे उलमा इकराम ने। हम मुसलमान होने के नाते हमारे उलमाओं को मानना हमको ज़रूरी है। मतलब कौन सी सेकुलर जमात, तो हमारी नज़र में एक ही पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। और दिल्ली का इलेक्शन है, ये गली का इलेक्शन नहीं है, आमदार का नहीं है, नगर सेवक का नहीं है। तो जो सेकुलर हमारे पार्टी है दिल्ली लेवल में, जो बीजेपी को हरा सकती है, वो पार्टी सिर्फ कांग्रेस है। क्या आप समझते हैं कि ये इलेक्शन जाति के धर्म पे होगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकुलर पार्टी है कांग्रेस में, देखो आप दलित हैं, मुस्लिम हैं, हर जमात के लोग, और सेकुलर जब हमारे उलमा इकराम बोले तो हमारा फ़र्ज़ है कि बस सेकुलर पार्टी को वोट दे देना। दूसरी बात ये कि जो पुराने खासदार थे चंद्रकांत खैरे जी, क्या आप इनके काम से संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस के पीरियड में बहुत काम हुए, उसमें कोई जातिवादी नहीं हुई है। मुस्लिम एरिया में काम हुए, हिंदू एरिया में काम हुए, सेकुलर पार्टी होने की वजह से हर जमात के हर मजहब के पास वो कांग्रेस पार्टी के पीरियड में काम हुए। हम वो 5 साल से वो चीज़ नहीं देख रहे, इसलिए हमको कांग्रेस को वोट देना। अभी आपको किन दो लीडरों में टक्कर दिखाई दे? जी नहीं, दो लीडर में तो कांग्रेस और सीधा सीधा बीजेपी में हमको शिवसेना में टक्कर दिखाई दे। शुक्रिया जी। यहाँ पर जो है तो लोकसभा के इलेक्शन चालू है, इसमें जो है तो कौन सा ऐसा उम्मीदवार है आपको जो अच्छा दिख रहा है? तुम्ही सांगा। ते म्हणते तू उम्मीदवार कोण? तुम्ही सांगा। हाँ, लोकसभा इम्तियाज जलील अच्छा है। अच्छा, पहले खासदार के कामों से आप सहमत है? सहमत है। नहीं, पहले पुराने खासदार चंद्रकांत खैरे से नहीं है? अच्छा, मेरा दूसरा एक सवाल है कि यहाँ पे जो है तो चार लोगों में टक्कर है, तो चार लोगों में से कौन से तुम्हारे को दो लोग हैं जिसमें जो टक्कर नजर आ रही है? टक्कर वाला इंतजार जल अच्छा है, सिर्फ हमारे लिए, हम दूसरे का कुछ भी नहीं बोल सकते। 2019 के लोकसभा के इलेक्शन चालू है, आप कुछ लोगों से जानना चाहेंगे सब क्या है? क्या मेरा पहला सवाल है आपसे, क्या अभी लोकसभा के इलेक्शन चालू है, लोकसभा के इलेक्शन के अंदर जो है तो पसंदीदा उम्मीदवार तुम्हारा कौन है? पसंदीदा उम्मीदवार तो वही होगा जो वेल एजुकेटेड हो और लोगों के मसाइल को समझ सके। यानी ज़मीनी सतह पर काम होना चाहिए। अभी तक के आम जो देखे, अभी जो प्रेजेंट MP रह चुके हैं यहाँ के, उन्होंने सिर्फ मतलब के जातिवाद है इसी पर वोट लिया। के नाम शहर का नाम, अभी इलेक्शन होने वाले हैं, कुछ जाति धर्म पे होने वाले हैं? नहीं, अभी तो जहाँ तक रुझान दिख रहा है जो हम देख रहे हैं, ये अभी पहले जो हो चुका, अभी जो भी आवाम है वो सिर्फ डेवलपमेंट पे वोट देंगे। अच्छा, वेल एजुकेटेड जो है, जो लोगों के मसाइल को समझ सकता, इसी को वोट जाएंगे। अच्छा, पिछले खासदार के कामों से आप महसूस हैं? पिछले खासदार ने तो ऐसे कोई बड़े काम तो किए नहीं, ना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, ना और कुछ हुआ, ना जो नौजवान बच्चे हैं उनको यहाँ से कहीं और दूसरे शहर जाकर जॉब करना पड़ रहा है, क्यों करना पड़ रहा है? अगर खासदार वाकई में काम करते पिछले 20 साल में, आज औरंगाबाद में अभी चार लोकसभा के अंदर चार कैंडिडेट पावरफुल है, जिसमें से किसे तुम्हारे को जो है तो टक्कर दिख रही है? इम्तियाज जलील साहब बहुजन आघाड़ी के, ये तो अभी फिलहाल तो उन्हीं का है। टक्कर किससे रहेगी? हर्षवर्धन जादव साहब। हर्षवर्धन जादव और इम्तियाज जलील, ग्रामीण में काफ़ी काम है,
काफ़ी थे। खैरे साहब का तो मैं नहीं समझता, उनके काफ़ी लोग, उनके जो पहले हामी थे शिवसेना के, वही लोग उनके अगेंस्ट में बात कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता खैरे साहब का इलेक्शन चालू है। अभी ऐसा था कि अपने जो अभी हजार है चंद्रकांत खैरे साहब, जो 20 साल से जातिवादी पे चुमके आ रहे थे, हिंदू मुस्लिम भगवा हिरवा, लेकिन आज पहली बार औरंगाबाद के अवाम को एक काबिल शख्स इम्तियाज जलील साहब की, क्या बोलेंगे, इम्तियाज जलील साहब की ऐसी शख्सियत आज हमको औरंगाबाद में मिली। और आज मौका है कि उनको चुना के लाना है और औरंगाबाद में एक ऐसे शख्स को खड़े करना है जिससे हमारा डेवलपमेंट हो, विकास हो, तरक्की हो। और जो कुछ भी खैरे साहब नहीं कर सके, हमको ऐसा दिखता है इंशाल्लाह इम्तियाज जलील साहब वो काम करेंगे। ये भी इलेक्शन के जाति पे उस पर होंगे? नहीं, ये विकास पे होंगे। आज के डेट में आज मेरे जो दोस्त है, जो मराठी मेरे कई दोस्त है डिस्ट्रीब्यूटर है, आज मेरी उनसे बात हुई, उनका ये बोलना है कि हमको ऐसे शख्स को लाना है जो हमारे को तरक्की देंगे। अब ये बहुत हो गया हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, अभी ऐसा कुछ भी नहीं रहा। क्या ये पिछले खासदार के कामों से आप महसूस है? नहीं, पिछले खासदार साहब चंद्रकांत खैरे साहब का ऐसा था कि उनका जो क्या बोलेंगे जो पैटर्न था 20 साल से, कि उनको सिर्फ अपने धर्म के नाम पे राजनीति करना था। आपका पसंदीदा उम्मीदवार कौन है? मेरा पसंदीदा उम्मीदवार इम्तियाज जलील साहब। और उनकी टक्कर किससे होगी? उनकी टक्कर जो मैंने देखा, क्योंकि मैं मार्केटिंग लाइन से हूँ, मैं गंगापुर कन्नड़ और औरंगाबाद के तकरीबन सभी एरिया में घूमता हूँ, या मेरे हिंदू मुस्लिम भाई जो मेरे कॉन्टेक्ट में, तो जहाँ तक मेरा है हर्षवर्धन यादव साहब और इम्तियाज जलील साहब में ये लड़े रहेंगे, और दोनों में से एक कोई तो भी इसमें चुन के आएंगे। ओके, थैंक यू।